हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। आगरा यूनिवर्सिटी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये चैनल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आगरा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर तरह की अपडेट यहाँ पर सबसे पहले दी जाती है, ऑथेंटिक ऑफिशियल। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों के जो मैसेज मेरे पास आ रहे थे कंटिन्यू, आप लोग पूछ रहे थे कि जो हमारे रिजल्ट हैं वो कौन कौन से रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। बीपीई सेकंड और थर्ड ईयर का भी जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख पा रहे होंगे, बीएड सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। काफी सारे कोर्सेज हैं, इनके सबके रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग जाके अपना जो रिजल्ट है उसको चेक कर सकते हैं। साइट को खोलेंगे, रिजल्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, सेशन 2021 में जाके आप लोग यहाँ पर अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं और रोल नंबर फिल करेंगे, कैप्चा को डालेंगे, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। ठीक है, अगली अपडेट यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है, ये एक नोटिस पब्लिश किया गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस है आप सभी लोगों के लिए, जिनके एग्जामिनेशन और सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके एग्जामिनेशन होने वाले हैं कल से। तो यहाँ पर आज से ही आपके एग्जामिनेशन है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, विश्वविद्यालय परिसर में एवं संबंधित महाविद्यालय संस्थानों की ऑड विषम सेमेस्टर दिसंबर 2021 की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं के परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आप लोग अपना स्वयं अथवा संबंधित कॉलेज से ऑनलाइन पूरित करने की तिथि 20/12/2021 को अंतरिम रूप से 25/12/2021 तक विस्तारित की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार डेट आपकी और एक्सटेंड कर दी गई है, 25 तारीख तक आप लोग अपना जो है पूरा ही काम कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर परीक्षा आवेदन पत्र पूरित करने की जो अंतिम तिथि है 21 से 25 यहाँ पर कर दी गई है। ये कोर्सेज दिए गए, काफी सारे कोर्सेज हैं यहाँ पर, आप उनको देख पा रहे होंगे, बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, बीसीए, एमसीए, बीबीए, एमबीए, एमबीए और पीजीडी बीए और पीजीडीसीए, और यहाँ पर काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। आप सारे कोर्सेज, आपके जो भी आप कोर्स में आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो अपने आप एग्ज़ाम फॉर्म को जल्दी से फिल करें और उसको आप लोग खुद भी फिल कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विश्वविद्यालय की साइट पर जाके वहाँ पे एक सेक्शन आता है जिसमें जाके आप अपना जो परीक्षा फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं और अपना जो पेमेंट है यहाँ पर बताया गया कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से जमा कर सकते हैं या फिर अपने महाविद्यालय संस्थान में जाकर आप वहाँ पर उनसे कह सकते हैं कि हमारा जो फॉर्म है वो फिल हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो उसको जरूर करवा लीजिए। ठीक है, फिर बाद में आप लोग कहते हैं कि सर फॉर्म फिल नहीं हुआ, हमारा एग्जामिनेशन नहीं हो पाया, तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर आपके लिए डेट कितनी बार एक्सटेंड की जा रही है ये चीज़ आप लोग अपने ध्यान से रखें और इस चीज़ को पूरा ही कर लें। ठीक है, अगला अपडेट यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है कि आपकी जो विशेष या फिर मुख्य ये जो एक्स रे वाली एग्जामिनेशन है ये 28 से 15 जनवरी तक आयोजित की जाने वाली है। विशेष परीक्षा विश्वविद्यालय 7 नोडल केंद्रों पर करवाएगा और ये नोडल केंद्र आपका आगरा कॉलेज आगरा, बीएसए कॉलेज मथुरा और एके कॉलेज सिकोवाद, पीजी बागला कॉलेज हाथरस, डीएस कॉलेज अलीगढ़, जेएनएल कॉलेज एटा और चित्रगुप्त कॉलेज मैनपुरी। मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो परीक्षाएं हैं आपको कुछ एक नोडल केंद्रों पर ही होंगी या फिर सबकी जो परीक्षाएं आगरा होंगी, तो आगरा नहीं है, ये 7 केंद्र बना दिए गए हैं, तो आपकी जो परीक्षाएं हैं यहाँ पर ही होने वाली हैं और 21 तक फॉर्म को पूरा करने का मौका आपको दिया गया था। विशेष परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों को अपना आवेदन फॉर्म पूरा करने के लिए 21 दिसंबर तक का समय दिया गया है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे के साथ कॉलेज के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद परीक्षा फॉर्म भरने का मौका आपको नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर लास्ट डेट 21 तारीख है, आप लोग चेक कर लीजिए एक बार आपका फॉर्म जो है फिल हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगा कि आपको मैं फिर से यहाँ पर इन्फॉर्म कर दूँ, मैंने पहले भी आपको बताया था। यहाँ पर देखिए अगला अपडेट एक और ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे लगातार कि सर हमारे जो पेपर हैं और सेमेस्टर वाले जो भी है तो इन लोगों की परीक्षाओं में क्या ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आएंगे, तो बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा 3 घंटे की रहेंगी जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं होने वाले हैं। ठीक है, इसी माह कराई जानी है, यह फैसला शुक्रवार को परीक्षा समिति की बैठक में लिया गया था। ठीक है, आपसे यहाँ पर एक और सही चीज़ की गई है कि 10 प्रश्न पूछे जाए, इसमें से आपको 5 के उत्तर देने और बाकी आप लोग जो आपको 5 आ रहे हैं उनके आप उत्तर यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये अपडेट्स हैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितनी भी अपडेट्स मुझे लगती है मैं आपको यहाँ पर तुरंत ही वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अगर पसंद आई है तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी फ्रेंड्स में, आपके कॉलेज के ग्रुप हों उनमें भी शेयर कर दें ताकि वहाँ पर भी ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले पहुँच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन का, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।